जब भी दिल दुखी हो ये बातें याद रखना, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं, कमी सब में है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं, सब में गुण भी हैं और अवगुण भी। किसी का गुण दिखाई दे तो अपने मन को कैमरा बना लो, उसके गुणों को अपना लो, दूसरों से सीखना सीख लो, मैं सब कुछ जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जिंदगी में अगर सुकून से जीना चाहते हो तो ये ध्यान रखो, कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान रखो। ये एक कड़वा सच है कि हम अच्छा बनना नहीं बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं, और यही दिखावा हमारे दुखों का कारण है। दिखावा करने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, ढोंग की जिंदगी जीने से लाख गुना बेहतर है कि ढंग की जिंदगी जियो। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। यदि कोई आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। बस तुम सब्र करो और अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि मौका इस दुनिया में सबको मिलता है। जब तालाब भरा होता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, मन में अहंकार की दीमक नहीं लगेगी। गलत कहते हैं लोग कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसीलिए अपनी जिंदगी का हर दिन जी भर कर जियो। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और आपके स्थान का करते हैं। सांप यदि घर पर दिखता है तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, यदि शिवलिंग पर दिखता है तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसका नाम है आम का पेड़। इस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसे सुन सकते हैं खबरी ऐप पर। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, सुनते रहिए मन की आवाज़।